الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمر كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ
तनजीम उते सानू अपना सोगना कबीब दितई कुरबान मैं तेरी तकसीम उते कुरबान ए दुनिया हो गई है कुरबान ए दुनिया हो गई है उदे सोने खुल के अजीम उते साडी ते दुनिया दीवानी उदे नाम दी सोनी मुख्तसर हमदो सना दुरुदो सलाम दे बाद जीवकार सामईनो सामेहात अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है कुछ मालक ने अपनी रहमत और तौफीके खास नल अपने घर मस्जिद दे अंदर किताबो सुन्नत दिया बातां सुन सुनान वास्ते जमा होण दी तौफीक अता फरमाई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जिन अहबाब ने अज दे इस प्रोग्राम नू तरतीब दिता मस्जिद दी इंतजामिया मस्जिद दे इमाम खतीब मुंतजमीन मुआविनीन अहबाब जमात अहले महल्ला इलाका भर दे मुअज्जज़ मोहतरम उलमाए कराम अल्लाह ताला सब दी मेहनत कोशिश कावश अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह मेरे तो कबल शायर इस्लाम मौलाना अब्दुल अजीम रबानी साहब अज तुहानू मंजूम कलाम भी सुना रहे सन ते खिताब भी सुना रहे सन। अल्लाह ताला उन्हां दे इल्मो अमल उम्र जिंदगी दे अंदर बरकत अता फरमाए और साडा सारिआं दा मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। जमात दे कायदीन माशाअल्लाह तशरीफ फरमा ने मोहतरम हाफिज हफीजुल्ला विरक साहब शेख शेख दाऊद अरशद साहब और हाफिज उबैदुल्ला साहब अल्लाह ताला सब उलमाए कराम दा तशरीफ लैके आना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। उस्ताद जी रबानी साहब नूं वेख्या मैं बड़ा खपते रहे ने बड़ा जोर लाया बेचारे ने तुसीं स्पीकर सैट नहीं किया इहनूं ठीक कर दिओ कोई चार आयतां कुरान पाक दीआं सुना लवांगे चंगे तरीके नाल वरना मैं भी खप खुप के चल जाऊंगा। इहदी आवाज़ खोलो जरा कुटन खत्म करो आवाज़ दे अंदरों आवाज़ दे अंदर बहुत ज्यादा कुटन इस तरह से दो मिनट भी नहीं बोलिया जाएगा। बेस बिल्कुल बंद करके मास्टर खोल दो थोड़ा जा थोड़ी जी को चला दो। रात रबीउल अव्वल का महीना जो ही इहदा आगाज हुंदा है मुसलमान वहाबी देवबंदी बरेलवी अपने अपने अंदाज नाल नबी पाक अली की सलातो वसलाम दे नाल मुहब्बत दा इजहार करदे कोई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते दे उनवान ते जलसा करवांदा है कोई महफले नात दा एहतमाम करदे कोई महफले मिलाद करवांदा है कोई झंडियां लांदा है कोई बाजार सजांदा है कोई लाइटां लगांदा है। मैं एक सवाल करना चाहना मैनू यकीन है इस मजलिस के अंदर अहले हदीस भी अलहमदुल्ला तशरीफ फरमा ने अहले सुन्नत बरेलवी भी तशरीफ फरमा ने अहले सुन्नत देवबंदी भी तशरीफ फरमा ने एक सवाल का मैं जवाब देना है क्या नबी पाक की वलादत रात के मिलाद नू मनदे हो मनदे हो बोलते नहीं सारे मनदे हो जेडे मनदे हाथ चुको माशाअल्लाह। मिलाद का मन है पदायश आप दी वलादत नू सारे मनदे हो माशाअल्लाह ते एक रोला ते मुकिया ना जेडे कहिंदे ने फलां मनदा है ते फलां नहीं मनदा वह बेईमान बंदा है वह बदबख्त बंदा है दुनिया का जलील इंसान है जेड़ा नबी पाक दे मिलाद का मुनकर है। मिलाद का मन है पदायश। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आमद
इस कायनात वास्ते बायस रहमत भी है, बायस बरकत भी। जिवें आप दी जात बा बरकत और बायस रहमत है, इवें नबी पाक अली सलातु वसलाम जो पैगाम लैके आए, जो दावत लैके आए, जो मिशन लैके आए, मेरे पैगंबर दा वो मिशन भी बायस रहमत ते बायस बरकत। जड़ी मैं कुरान पाक दी सूरा आराफ दी आयत नंबर 157 और 58 दा कुछ हिस्सा उसा बात दे सामने तिलावत करन दी शहादत हासिल की थी। अल्लाह ताला ने इन आयात दे अंदर नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दी अजमत नू, आप दी आमद दे तस्करे नू, नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दे आमद दे मकसद नू बयान फरमाया। इंशाल्लाह इसे हवाले नाल मैं चंद गुजारिशात करना चाहवांगा। दुआ करना अल्लाह ताला किताबो सुन्नत के मुताबिक मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह तवज्जो है, थोड़े थोड़े परेशान लग रहे हो, है गोडे छड़ दियो। माशाल्लाह गोडे छड़ के बेदार होके हुशियार होके बैठो। मोमन दा ते मस्जिद अंदर आके दिल लग जांदा है, परेशानियां मुक जांदियां ने, ते तुहाडे चेहरियां ते थोड़ी थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है। इस सुस्ती उतार दियो, जरा आशाश विशाश होके बैठो। नबी पाक दा नाम सुन के प्यार नाल दुरूद पाक पढ़ना मैनू खुश होने करन वास्ते बेशक ना पढ़िया जे, रब की रहमत हासिल करन वास्ते और कयामत वाले दिन नबी पाक दा कुरब हासिल करन वास्ते आप दा नाम आए, बड़े अदब नाल बड़े एहतराम नाल दुरूद पाक पढ़ना जे। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أرسل معه أولئك هم المفلحون। اللہ تعالی نے آیا مبارکہ دے آخر دے کامیاب لوگاں دا ذکر فرمایا، فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے کیڑے لوگ؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جنہاں نے اس رسول دی پیروی کیتی جڑے نبی الامی بن کے آئے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر کتے نبی پاک نو شاہد آکھیا، کتے مبشر آکھیا، کتے نذیر آکھیا، کتے داعی اللہ آکھیا، کتے سراج منیر آکھیا، کتے اللہ نے یا ایوب المزمل آکھیا، کتے یا ایوب المدثر آکھیا، کتے رحمت للعالمین دے القابات دتے۔ ایتھے اللہ تعالی نے نبی پاک نو نبی الامی کہہ کے ذکر فرمائے۔ کی مانا اے لفظ امی جدو عام کسے بندے تے بولیا جائے گا اے دا مانا ان پڑھ ہوئے گا، جدو اے لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک آئے گا اے دا مانا اے نہیں بنے گا، بلکہ لفظ امی میرے پیغمبر دی صفت بن جائے گا، کیونکہ میرے پیغمبر نے دنیا دے کسے استاد کو تعلیم نہیں حاصل کیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سکھان والا کون ہے؟ اللہ اے اللہ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دور دے اندر نبی الامی بن کے آئے، جس دور دا ذکر اللہ تعالی نے قران پاک دے اندر ان الفاظ نال بیان فرمایا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔
फरमाया वो जात जिन्ने मबूस फरमाया नबी नु अपने रसूल नु उम्मी लोगा वल अल्लाह हु अकबर ला अगे नबी पाक दियां सिफतां बयान कीतियां मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के अंदर आके रहमत के कायनात ने उम्मी लोगों के अंदर अनपढ़ लोगों के अंदर आके ऐसी तलीम दी है सैयद ना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया कर दे सन उमर तैनू ते ऊंट भी चराने नहीं छड़ांदे डर दस घर वापस जावांगा ते बाबा को झटका पैण गियां उमर तैनू ऊंट भी नहीं चराने आंदे लेकिन नबी पाक दा कलमा पढ़िए मेरे पैगंबर दी तलीम नु सीने लगाए जिन्नू ऊंट नहीं सी चराने आंदे साढ़े 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान बन गया है नबी उलोमी मेरे पैगंबर अल्लादीना यत्तबियूनर रसूलन नबी अल उम्मी अल्लादी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील अल्लाह ताला यहूदियां ते ईसाइयां नु मुखातब करके फरमा रही है फरमाया ओ नबी उस नबी दी पैरवी करदे ने जिस नबी दा जिक्र इन्हां दे गां पहले इन्हां दीआं किताबां दे अंदर तौरात दे अंदर मौजूद है इंजील दे अंदर मौजूद है अल्लाह नबी पाक दे आण तो पहला मेरे पैगंबर दे जिक्र तौरात दे अंदर मेरे पैगंबर दे जिक्र इंजील दे अंदर मैं कुर्बान जावां कायनात दे लोगो अल्लाह दी कसम नबी पाक रब ने सानू और नबी अता कीता है तौरात ते इंजील बाद दे अंदर आईयां ने अल्लाह ने मेरे पैगंबर दा जिक्र ते आलमे अरवाह दे अंदर कर छड़िया है मेरे पैगंबर दा जिक्र हजरत इब्राहिम दीआं दुआवां दे अंदर आ गए मेरे पैगंबर दा जिक्र हजरत ईसा दीआं बशारतां दे अंदर आ गए ते क्यों ना फिर शुरू दे अंदर तुहानू बिदार कर जावां और जितों करिए जिक्र मुहम्मद दा दिल नू सुरूर आ जांदा है जिन्हां नू सुरूर आया कहो सुभान अल्लाह जितो करिए जिक्र सोहणे दा महफिल नू सुरूर आ जांदा है जितो करिए जिक्र आका दा महफिल नू सुरूर आ जांदा है जिस दिल विच प्यारे है अहमद दा उस दिल विच नूर आ जांदा है जितो करिए जिक्र मुहम्मद दा महफिल नूं सुरूर आ जांदा है मैं तूर दी अजमत मनदा हां परेशान मदीने दी की दसा मैं तूर दी अजमत मनदा हां परेशान मदीने दी की दसा जितों टुरिए शहर मदीने हर कदम ते तूर आ जांदा है जितो करिए जिक्र मुहम्मद दा महफिल नू जरूर आ जांदा है ओदी उंगली नाल इशारे दे चन टोटे हो के जुड़दा है ओदी उंगली नाल इशारे दे चन टोटे हो के जुड़दा है ओदा हुक्म खोवे ता पत्थरां नू बोलण दा शौर आ जांदा है अल्लज़ीना यत्तबियूनर रसूलन नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील नबी पाक दा जिक्र तौरात दे अंदर इंजील दे अंदर सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला को बयान करदे ने नबी पाक एक दिन चलदियां चलदियां यहूदियां दे कनीसे दे अंदर चले गए ने इन्हां दी इबादतगाह दे अंदर चले गए ने ते इन्हां दा
आलम है किताब पढ़ता पिया है। पढ़दिया पढ़दिया एक जगह ते आके रुक गया। नबी पाक फरमाते ने अगे क्यों नहीं पढ़ता। ते कोने दे अंदर बैठा एक बुजुर्ग बंदा मर्ज दी हालत दे अंदर मरीज कहंदा इस वास्ते जिक्र दा रुक गए इन्हें पढ़ना बंद कर दिते कि इस जगह ते आखरी पैगंबर दा जिक्र आ गए इन्हें तलावत बंद कर दी है पढ़ना बंद कर दिते। मरीज बंदा ओ कोने भी छोटे चलदा चलदा आलम दे कोल आए इन्हें किताब हाथ में पकड़ लिए जितो इन्हें पढ़ना छड़िया सी उतो पढ़ना शुरू कर दिता है। इन्होंने मेरे पैगंबर दिया सिफतां पढ़ता जाता है इन्होंने मेरे महबूब का मुखड़ा तक जाता है। जो नबी पाक दिया सिफतां वालिया आयात मुकिया ना ते नबी पाक दे चेहरे वाल वेख के कहंदे अशगतु अल्लाह इल्लल्लाह अशगतु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आप फरमाते ने मेरे सहाबा अपने भाई दे कफन दफन दा तमाम करो। ऐ हदीस सुनाम दा मकसद देवे नबी पाक दा जिक्र तौरात दे अंदर भी मेरे पैगंबर दा जिक्र इंजील दे अंदर भी। लो मैं बुखारी पाक दे रो हवाला देवा किताबुल बयू पढ़ा हजरत अता बिन यसार रहिमहुल्लाह तआला फरमांदे ने एक दिन मैं चलदा चलदा हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला दी मुलाकात वास्ते आया। मुलाकात हुई मैं कहा अब्दुल्ला जी अज मैनू नबी पाक दियां ओ सिफतां सुनाओ ना जड़ियां तौरात दे अंदर मौजूद ने। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने अल्लाह दी कसम मैं जरूर तैनूं नबी पाक दियां सिफतां पढ़ के सुनावांगा। कुछ सिफतां नबी पाक दियां ऐसियां ने जड़ियां कुरान दे अंदर भी ने ते तौरात दे अंदर भी ने। ते हजरत अब्दुल्ला बिन अमर पढ़दे ने अल्लाह ने अपने पैगंबर नूं तौरात दे अंदर फरमाया या अय्युगन नबियो इन्ना अरसलना का शागिदं व मुबशिरं व नज़ीरा। फरमाया सोनिया असा तुहानू शाहद बनाया मुबशर बनाया नज़ीर बनाया। बड़ी लंबी हदीस है नबी पाक दियां बेशुमार सिफतां तुराब दे अंदर। आइए करात गौर करना एडियां अजमतां वाला पैगंबर एडियां शाना वाला पैगंबर और जिदियां सिफतां नबी पाक दे आन तो पहला तुराब इंजील दे अंदर मौजूद। मेरे पैगंबर दे तज़करे आप दे आन तो पहला आलमे अरवाद दे अंदर अज 12 रबी जो लवल आया अल्लाह हर बंदे ने अपने अंदाज नाल मुहब्बत इजहार किया। बाजारां दे अंदर कोई बंदे जनाब जुलूस निकाल रहे ने कोई झंडियां ला रहे ने कोई नारे लगा रहे ने कोई महफले नात ते महफले मिलाद ते तमाम कर रहे ने। मादरत दे नाल मैं जिहड़ा जिहड़ी बात समझाना चाहना जिहड़ा पैगाम तेरे तक पहुंचाना चाहना मेरे पैगंबर की सलात व सलाम की नात की हद तक मेरे पैगंबर की अदब ते इज्जत की हद तक नबी पाक की जात की हद तक अल्लाह की कसम मेरे पैगंबर दी जात नूं मक्के दे काफरां वी मन्निया मेरे पैगंबर दी जात नूं यहूदियां मदीने दे यहूदियां वी मन्निया। और मौजूदा दौर दे अंदर उठाइए फेसबुक उठाइए सोशल मीडिया उठाइए गूगल उठाइए यूट्यूब नबी पाक दी नात पढ़ वाले तुहानू हिंदू भी नजर आणगे नबी पाक दी नात पढ़ वाले सिख भी नजर आणगे लेकिन उन्हां नबी पाक दी जात मन्नीए मेरे पैगंबर दी बात नहीं मन्नी मेरे पैगंबर दी बात मन्नी। सुहैब रूम तो चल के आया जन्नत का हकदार बन गया मेरे पैगंबर दी बात मन्नी। सलमान फारस तो चल के आया जन्नत का हकदार बन गया मेरे पैगंबर दी बात मन्नी। हजरत बिलाल ने हबशे तो चल के आया जन्नत का हकदार बन गया मेरे पैगंबर दी बात दा इनकार अबू लहब ने किया। अल्लाह फरमाते ने तब्बत यदा अबी लहब मतब मा अगना अनहु मालुहु व मां कसब। ऐ कुराने पाक दी सूरत दस दिए कामयाब ओए जिन्हें नबी पाक दी जात भी मन्नी बात भी मन्नी। कामयाब ओए जिन्हें बाजार सजाए नहीं बल्कि किरदार सजाए। कयामत वाले दिन अल्लाह दी कसम रब ताला ने ए नहीं पुछना ओए नबी पाक दे उम्मतिया भाबिया देवबंदिया बरेलविया क्या तू नबी पाक दी मोहब्बत दे अंदर बाजार सजाए सन के नहीं। रब पुछेगा तू अपना किरदार सजाया सी कि नहीं। बाजार दा सवाल होना बोलो बाजार दा सवाल होना
कादा सवाल होना है, कादा ते वो साडे पल्ले ही कोई नहीं, वो साडे खाते ही कोई नहीं, नारे सारे लाल है, सारे दावे कीते अल्लाह को जे मनिया हुंदा ना ते तेरिया अदालतां दे अंदर पैसे लैके फैसले ना बदले जांदे। जे तू नबी पाक दी आमद नूं मनिया हुंदा ते आ तीन दिन पहले जना हस्पताल दी चौथी पंजवीं मंजिल तो औरत तीसरी बच्ची दी पैदाइश ते छलांग ना लांदी। जे तू नबी पाक नूं मनिया हुंदा ते आ चंद दिन पहले गलत इंजैक्शन की वजह करके 70 बंदियां दी बिनाई ना जांदी। की मनिया नबी पाक दी आमद नूं, मेरे पैगंबर दी बेसत दे मकसद नूं की समझिया। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह गौर करना, जे सिर्फ बाजार सजा लैण दे नाल ते झंडियां लगा लैण दे नाल जन्नत लभदी हुंदी ते बिलाल नूं जल दे अंगारियां ते लेटण दी केड़ी लोड़ सी, सैयदना खुबैब नूं सूली ते लटकण दी केड़ी जरूरत सी, हज़रत सुमैया नूं जिस्म दे दो टुकड़े कराम दी केड़ी जरूरत सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह गौर करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की पैगाम लेके आए, दावत की लेके आए। अल्लाह फरमाते ने या अमरुकुम बिल मारूफ व यनहाकुम अनिल मुनकर व युगिल्लु लकुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइस व यज़ऊ अनकुम इसराकुम व ला गलाल लती कानत अलैकुम। मेरे पैगम्बर ने आके नेकी दा पैगाम दिता है, नबी पाक ने बुराई तो रोकी है। हम मुसलमान अल्लाह की कसम, मैं किसी नाल लड़न वास्ते नहीं आया, मैं किसी नाल झगड़ा करन वास्ते नहीं आया, बस एक पैगाम देना चाहना। हज मेरे तेरे माशरे जदों नेकी मुक गई है, हज साडे घरां जदों नेकी मुक गई है, हज साडे किरदार जदों नेकी मुक गई है, आज आ अपनियां भैणां नूं नेकी दी दावत देंगे, आज अपने भरावां नूं नेकी दी दावत देंगे, आज अपने बेटे नूं नेकी दी दावत देंगे, आज अपनी बेटी नूं नेकी दी दावत देंगे, आज अपनी बीवी नूं नेकी दी दावत देंगे। या अमरुकुम बिल मारूफ, मेरे पैगंबर ने आके घर वालियां नूं भी नेकी दी दावत दित्ती है, रिश्तेदारां नूं भी नेकी दी दावत दित्ती है, महल्लेदारां नूं भी नेकी दी दावत दित्ती है। या नगाकुम अनिल मुनकर, एक सवाल करना चाहना, मैं नारंग मंडी दा ते पता नहीं, मैं जिथे जिथे गया हर शहर दे अंदर बुराई आम है, किहड़ा गुनाह है जिहड़ा साडे माशरे दे अंदर नहीं पाया जांदा? शिरक साडे माशरे दे अंदर, बिदत साडे माशरे दे अंदर, रस्मो रवाज साडे माशरे दे अंदर, सूती कारोबार साडे माशरे दे अंदर, रिश्वत साडे माशरे दे अंदर, कम तोलना साडे माशरे दे अंदर, भैणां दा कक्क खाणा साडे माशरे दे अंदर, बूढ़े बाप नूं धक्के मारना साडे माशरे दे अंदर। अल्लाहु अकबर, किहड़ा गुनाह है जिहड़ा साडे माशरे दे अंदर नहीं पाया जांदा? बिलाह बाजार सजाने आ, झंडियां लाने आ, जलसे कराने आ, पर नबी पाक दे मिशन नूं नहीं मनदे। मेरे पैगंबर ने आके गुनाहां तो रोकिए, नबी पाक ने बुराई तो रोकिए। अज दे दिन 12 रबीउल दे रबीउल अव्वल दे हवाले गल करना चाहना, इतना बड़ा इत्तमा है, हर मकतबे फिक्र दे लोग तशरीफ फरमाओ, किन्ने को लोग जिन्ना अज एक बंदे नूं भी किसे बुराई तो रोकिया होए नहीं नजर आएगा, ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आएगा। मेरे भाई जिहड़े काम करन वाले सन ओ असीं छड्ड दित्ते ने, ते उन्हां कमां दे अंदर लग गए हां जिन्ना दा मकसद ही कोई नहीं। ते अगली गल फरमाया, वा युगिल्लु लकुम अत्तय्यिबात वा युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइस। मेरे पैगंबर ने हलाल नूं हलाल दसिया, हराम नूं हराम दसिया। नबी पाक दे आण तो पहला यहूदियां ने ऊंट दा गोशत अपने आप ते हराम कर लिया सी, ते सूर दा गोशत अपने आप ते हलाल कर लिया सी। मेरे पैगंबर ने आके दसिया, ऊंट हलाल ते सूर हैं। नबी पाक ने हलाल अलग कर दिता, हराम ते असी रहन दिता। असी क्या आना चाहिदा है? माल आना चाहिदा जिथों मर्जी आ जाए, हैं, दौलत आनी चाहिदी है, पैसा आना। एक वक्त हुंदा सी हलाल हराम दी बड़ी तमीज हुंदी सी, ते हुण उह तमीज रही खत्म हो गई। मुसलमाना दिनों हलाल हराम की तमीज मुक गई है। हाए ते मिसालां देंदे ने ननकाने टुर जो सिखां कोल एक नंबर चीज लभदी। ये मिसाल देने तो पहला तू डुब के नहीं मर जांदा? तेरी भी ते मिसाल बन सकती सी।
तेरा भी ते किरदार लोगों के सामने मिसाली हो सकता सी। सिख ननकाने ते सिखां दी मिसाल देना ते तू नबी पाक दा कलमा पढ़िया। अगले दिन मैं खबर पढ़ी अल्लाह की कसमे, मैनू तो इस खबर ने अला करके रख दिता। इंग्लैंड के अंदर या अमेरिका के अंदर एक बंदा रहन वाला अल्लाह को अकबर अल्लाह ते मजबूरी की बिना पर ना ये मंगन लग गया। तो एक ईसाई बंदा आया, उन्हें परस कढ़िया ते विचों कुछ डालर कढ़ के उन्हें दे दिते। ये दोबारा जेब विच पाउण लगिया ते परस नीचे डिग गया ते ये बंदा चला गया। आवाजा लगांदा रहा, उन्हें आवाजा ना सुनिया। ये भिखारी ने मंगते ने परस उठा लिया ते जेब विच पा लिया। एक दिन भी गुजर गया, दो दिन भी गुजर गए, तीस तीन दिन गुजर गए ते उत्थे जिथे उन्हें डालर लै सन उत्थे ही खड़ा सी। तीसरे दिन वह बंदा इतफाकन आ गया, कह लग्या यार आ तेरा परस ही ते इहदे अंदर बेशुमार डालर ने, तेरी अमानत उन दी उन दी तैनू वापस कर दिती है। ये ईसाई बड़ा हैरान होया, कहण लग्या ये एक एक डालर मंगदा फिरदा है ते मेरे परस के अंदर इन्ने ज्यादा डालर सन ते इन्हें वापस कर। कहण लग्या मसला की है, गल की, तू तो एक एक डालर मंगदा फिरना है। कह लगा तू ईसाई है मैं मुसलमान हाँ, तू ईसाई है मैं मुसलमान हाँ, तू हजरत ईसा दा उम्मती है मैं मुहम्मद पाक दा उम्मती हाँ। जे कयामत वाले दिन हजरत ईसा ने मेरी शिकायत, ईसाई ने हजरत ईसा दे अगे शिकायत लाई, हजरत ईसा ने मेरी शिकायत साढ़े नबी अगे लगा दी, तो मैं अपने पैगंबर के सामने किहड़ा मूँह लैके जावांगा। ऐसे भी किरदार मौजूद ने, क्या साढ़े अंदर ऐसा किरदार मौजूद है? गौर करना, रहमते कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर ने हलाल हराम दी तमीज दसी है। लंबिया चौड़िया गल्ला नहीं करनिया, मैं सिर्फ अद्धा घंटा होर गुफ्तगू करनी है। तवज्जो मेरे वा रखना, अगे अल्लाह फरमा देने वा याजाओ अनुकुम इसराकुम वल अगला लल्लती का नतालीकुम। फरमाया मेरे पैगंबर ने आके लोगों के गले के तौप तोड़ दिते ने, नबी पाक ने लोगों के बोझ उतार दिते ने, नबी पाक ने बड़े सारे बोझ उतारे, गले तोप तोड़े जेड़े दोबारा सी अपने गलियां दे अंदर पा ले। मसलन नबी पाक दे आण तो पहला औरत जात नूं बोझ समझिया जांदा सी। हायज दे दिनां दे अंदर अय्यामे मखसूसा दे अंदर दिनां दे अंदर अल्लाह हू अकबर औरत दे बर्तन अलग कर दिते जांदे, औरत दा खाना पीना अलग कर दिता जांदा। मेरे पैगंबर ने आके बोझ उतारिए, नबी पाक ने दसिया औरत बोझ नहीं, औरत मां है तेरे पैरां दे थले जन्नत, औरत बेटी है तेरी तरबीयत ही वड्डा करके अल्लाह ताला जन्नत दे अंदर मुहम्मद दा साथ अता कर देगा। औरत बीवी है ते अखां दी ठंडक, अल्लाह हू अकबर औरत भैण ते भरावां दी गैरत। मेरे बरादर नबी पाक ने आके बोझ उतारे ने, इधर वेखिया डे रहमत कायनात ने केड़े केड़े बोझ उतारे। मैं मुसनद अहमद की रवायत पेश करना चाहना वा, रहमत कायनात ने सलातो व सलाम दी ज़ादा मोहतरम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला बयान कर दी। मैं तुहाडे वल वेख रहा कि कारी साहब नातां बड़ियां सुनांदे ने ते अज कोई नात नहीं सुना रहा, कौड़ा मौजू शुरू कर लिए। अल्लाह को अकबला गौर करना, इंशाल्लाह तुहाडा शौक भी पूरा होएगा। एक बार इहदा दुरूद पाक पढ़ के विखाओ, जनाब मुहम्मद उची सल्लल्लाहु, एक बार बार पैदा करो पूरा मजमा गज के बोलो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ सोना जागते शागे उम्माया, सोना जागते शागे उम्माया, वंडड़े दुखियां दे गम माया, सोना जागते शागे उम्माया, वंडड़े दुखियां दे गम माया। कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे, कोई सुलीफ चुमे, कोई नैन चुमे, कोई सुलीफ चुमे, कोई नैन चुमे, बण अरब दा सोगड़ा चन आया,
बने अरीब दसो गण चंदाया वंडने दुखिया दे गम माया जिंदा कबरा विच पैदिया सड़ी आका आए ते बेटियां कैदिया सड़ी आया का ते बेटियां कैदिया सड़े की कैदिया सड़े तेरा आवड़ा साडे कम आया सोना तेरा आवड़ा तेरा आवड़ा साडे कम आया वंडने दुखियां दे कम आया। नबी पाक ने सलातो सलाम दी जाजा मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा बयान कर दिया ने हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला ने को नजाशी बादशाह दे दरबार दे अंदर ते बादशाह कहन लगया वा जाफर किदा कलमा पढ़िया डे ते किस कौम नाल तुहाडा तल बस मुस्नद अहमद जेड़े अल्फाज ने तुहाडे सामने पढ़ना चाहना मेरे पैगंबर सलातो सलाम दे चचे दे बेटे हजरत जाफर ने उस दौर दियां जगालतां बयान कीतियां ने बस तुहाडे अगे दरखास्त है हदीस तुसां सुननी है तर्जमा वेखणा है अल्लाहु अकबर क्या ओह जगालतां साडे अंदर ते मौजूद नहीं। हजरत जाफर फरमांदे ने ओए बादशाह अय्यो गल मालिक कुन्ना कौमन अखला जागिलिया ना बुदुल असनाम ना कुलुल मैतता ना तिल फवागिश नकताउल रखाम वनुसीउल जवार या कुलुल कवीय मिन ज़ईफ वकुन्ना अला ज़ालिका हत्ता बासल्लाहु इलैना रसूलम मिन्ना नारिकु नसबहु वसिदकहु वअमानतहु वअफाफा फदाना इलल्लाह। नबी पाक दे सियाबी हजरत जाफर बादशाह ईसाई बादशाह दे दरबार दे अंदर खड़े होके कहंदे ने ओए बादशाह वा गल सुन असी जहालत दी जिंदगी बसर करन वाले साडी कौम जहालत दी जिंदगी बसर करन वाली ते पहली जहालत ना अबुदुल असनाम असी बुतां दी पूजा करन वाले आपे ही बुत बणांदे आपे ही उहनां दे हत्थ बणांदे आपे ही उहनां दे पैर बणांदे आपे ही उन्हां दे कन ते नक ते अखां ते होंट बणांदे ते फिर आपे ही उन्हां दे सामने उन्हां दे नावां दीआं नजरां ते नियाज़ां दया करदे उन्हां दे नावां दीआं देगां ते सबीलां लगाया करदे। अल्लाहु अकबर पहली जगालत दूसरी जगालत ना कुलुल मैतता असी मुरदार खा जांदे सां नबी पाक दे आउण तों पहलां लोग मुरदार खा जाया करदे सन ते अज वी कुझ माहौल इंदा है पहले लोग नबी पाक दे आण तो पहला मुरदार खांदे सन हुण खांदे नहीं ते खवाया जांदा है हुण खांदे नहीं ते शवारमियां दे विच पा के बर्गरां दे विच पा के होटलां ते पता नहीं किन्ने मन मुरदा गोश्त बरामद करके रावी दे अंदर सुटिया जांदा है इंज है कि नहीं। ये मुरदार खवाण वाला कौन है मुसलमान ते खाण वाला कौन है हाय एक खिलाण वाला ते खवाण वाला को वाकी है क्यों दो बंदी है को बरेलवी है। अल्लाहु अकबर ला ते कहिंदा मैं नबी पाक दा बड़ा वड्डा आशिक हाँ मैं नबी पाक नू बड़ा मनना मैं नबी पाक दा बड़ा अकीदत बनदा ते उस दौर दे अंदर मुरदार खाण वाले सन ते अज भी खवाण वाले मौजूद ने इहदे तों पता चलिया जिहड़ा मुरदार खांदा ते खवांदे उहने नबी पाक दी आमद नू मन्निया उन्हें मेरे पैगंबर की आमद के मकसद को नहीं समझी। अगली गल नबी पाक ने सलातो सलाम दे सियाबी फरमांदे ने तीसरी जगालत ना तिल फवागिश साढ़े माशरे के अंदर बेगयाई आ मसी बुराई आ मसी अज भी वे कलो मैनु कोई पिंड विखा दो जिथे बेगयाई ना खोवे अल्लाह हुण ते हर जेब विच बेगयाई आ गई पिंड ते दूर दी गल घर ते दूर दी गल नौजवान नस्ल बर्बाद होगी ऐ बेगयाई दे अड्डे खुल गए। अल्लाहु अकबर माजरत नाल नारंग दे रहण वालियो मैं ताले बिलम दी गल कौड़ी लगे ते अल्लाह वास्ते अपना मुसाफर भाई समझ के माफ कर देना बेहयाई इस
कदर आम हो गई है। जिस जगह ते हया दी तलीम दी जानी सी उस जगह ते बेहयाई दियां जनाब दास्ताना कैम हो गई ने। 700 के करीब बहावलपुर यूनिवर्सिटी दिनरो जनाब बेहूदा तस्वीर ते वीडियो वायरल हुई वजह की है हजरात साढ़े माशरे के अंदर बेहयाई नु गुनाह नहीं समझिया जाता। और 700 बच्चिया दियां बेहूदा तस्वीर ते वीडियो वायरल नहीं जे हुई बल्कि वह साढ़िया 700 नस्लां बर्बाद हुई ने। साढ़िया 700 नस्लां बर्बाद हुई ने। तलीम दे अड्डे बेहयाई दे अड्डे बन गए ने। तलीम गावां बेहयाई दे अड्डे बन गए। इत्थे एक यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया पता नहीं कित्थे कित्थे की कुछ हुंदा पिया। सोचिया जे कि तलीम के नाम से साडी बहन बेटी बेहयाई दे अड्डे ते नहीं जा रही। गौर करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद अज की गुफ्तगू कौड़ी हजम करनी पैनी इंशाल्लाह कम आएगी कदी। मेरे पैगंबर सलाम दे यार ने चौथी जलालत बयान की आम है ना साडे अंदर। नबी पाक दे सहाबी फरमांदे ने सोने दे आन तो पहला चौथी जलालत नकता उलर खाम। लोग रिश्ते तोड़ देंदे सन। रिश्तिया की कदर कोई नहीं सी। मां की पहचान भुल गई सी। बाप की पहचान भुल गई सी। भरावां की पहचान ददयाल रिश्तिया की पहचान भुल गई। नने आल दे रिश्तिया की पहचान भुल गई। मैं कहना वा उस दौर के अंदर भी रिश्तिया का खून हुंदा होएगा पर इतना खून नहीं हुंदा। ये आज तेरे माशरे के अंदर तुसी वेखे आने सोशल मीडिया ते एक वीडियो वायरल हुई है पाक बदन की। एक बद बखत बेटे ने अपने बाप सफेद दाढ़ी वाला बाप चार कनालों की खातर अपने बाप के चेहरे ते जुतियां मारदा पिया है। अपने बाप के चेहरे ते चित्र मारदा मालक बना दिता। कोठिया का मालक बना दिता। मुरबिया का मालक बना दिता। जो ओ बच्चा उठ के बाप नु जुतियां मारे अल्लाह की कसमे बाप का मरना हो जाता है। मैं ते कहना वा बाप उदो ही मर जाते हैं जो बच्चा अबू के सामने उच्चा बोलन लग जाए। जुत्ती चुक लेना ते जुत्ती मार लेना ते दूर की गल है। बाप का तो उदो ही मरना हो जाता है जो बाप के सामने बेटा अखा उठा लवे ते कुरान की कहता है वाकदा रब्बू का ला ताबुदु इल्ला इयाहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुकन्ना इम्दकल की बरा खदुहुमा औ किलाहुमा मेरा दीन ते उफ कहण दी इजाजत नहीं देंदा ते तू जुतियां चुकी फिरने। मेरा दीन ते तैनू झिड़कन दी भी इजाजत नहीं देंदा तू गाला कढ़दा फिरने। अल्लाहु अकबर रिश्तियां दी पहचान कर। अल्लाह दी कसमे वक्त कोई नहीं मैं तैनू दसदा मेरे पैगंबर ने कल्ले कल्ले रिश्ते दी पहचान कराई है। बाप दा कदर की है। मां दी कदर की है। अल्लाह चाचियां दी कदर की है। अज ते शरीके ही चाचिया नाल ने ना। अज ते शरीके ही ताया नाल ने। अज ते दुश्मनिया ही चाचिया ताया नाल ने। मेरे पैगंबर ने कल्ले कल्ले रिश्ते दी पहचान कराई है। ते मैनू गल याद आ गई है मेरे पैगंबर मदीना पाक दे बाजार दे अंदर एक पुराने जे मकान दे सामने खड़े ने। ते नबी पाक दी उम्र को 50-55 साल। मेरे पैगंबर दी अखां विचों आंसुआं दीआं लड़ियां रहमत कायनात अली सलातो वसलाम रोई जा रहे ने। सियाबा कहंदे ने सोने हो बाजार दे अंदर इस मकान दे सामने खड़े हो के रोंदे पे हो। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरे सियाबा ऐ जिहड़ा मकान है इस मकान दे अंदर बचपन दे अंदर मैं अपनी अम्मी आमिना दे नाल चंद दिन गुजारे सन। मेरे पैगंबर नू तुसीं अपने ओए अपनी मां नाल गुजारे होए चंद दिन नहीं भुले। ते तू मां बाप नू अंजी भुल गया है। इत्तराम करिया कर अपने मापिआं दा कदर कर
ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਨਕਤਾ ਉਲ ਰਖਾਮ ਅਨੁਸੀ ਉਲ ਜਵਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਹਾਲਤ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ। ਲੋਕ ਏਡੇ ਤੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਆਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕਾਨਾ ਯੂਮਿਨੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਵਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ ਫਲਾ ਯੂਜ਼ੀ ਜਾਰਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯੌਮ ਆਖਰਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੰਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਅਦਰ ਤੇ ਜਾਫਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਜਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਲ ਅਤਾ ਅਲਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀਨੁਮ ਮਿਨ ਅਦਹਰ ਲਮ ਯਕੁਨ ਸ਼ਈਅਮ ਮਜ਼ਕੂਰਾ ਇਨਾ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਨੁਤਫਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ। ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਾਸੁਮ ਮਿਨ ਫਿਹਲਿਲ ਜਾਹਿਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਬਾਤਾਂ ਜਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਵਾ ਤਾਨੁਨ ਫਿਰ ਨਸਬ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱ ਨਾਸ ਇਨਾ ਖਲਕਨਾਕੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਕਰਿਨ ਵਾ ਉਨਸਾ ਵਜਅਲਨਾਕੁਮ ਸ਼ੂਬਾ ਵਕਬਾਇਲ ਲਿਤਾਰਫੂ ਇਨਾ ਕਰਮਕੁਮ ਇੰਦੱਲਾਹਿ ਅਤਕਾਕੁਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੱਟੇ, ਕੋਈ ਬਾਟੇ, ਕੋਈ ਖਾਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਨੇ, ਕੋ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਏ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਰਹਿਮਾਨੀ ਏ, ਕੋਈ ਗਫਾਰੀ ਏ, ਕੋਈ ਅਨਸਾਰੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਿਲ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ? ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਸਾ ਰਵੱਈਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਗੋਇਆ ਕੋਈ ਗਬਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਗੋਇਆ ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਗੋਇਆ ਕੋਈ ਗਬਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਗੋਇਆ ਕੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ
गया सोना कमली दी चुम मार के जिन्हिया रामा बड़े वेखी तेरे गए आया बदुआ सीने कमाली गोया कोई कबशी तो कजरत बिलाली गोया काले आनू भी गल लावे साडा नबी उसन वाले खड़े वेख दे रह गए खुश बख्त कुली सी अबू अयूब दी जिते ठहरी सी डाची ओ महबूब दी नीवी आंदा परौना ए साडा नबी नीवी आंदा परौना ए साडा नबी कोठियां ते चढ़े वेख दे रह गए आगे आ सोना कमली दी चुम मारी के जिन्हिया रावा बड़े वेख दे रह गए हजरत जाबर फरमांदे ने ऐसी जगालत दे दौर दे अंदर वकुन्ना अला जालिका हत्ता बा सल्लाहु इलैना रसूलम मिन्ना नारिफुना सबगु व सिदकहु व अमानतहु व अकाफा अल्लाह ने साडे वाल ओ रसूल भेजिए जिदा नसब असी पहचानियो जिदी सिदको अमानत नु असी जानियो जिदी पकीजगी तगारत नु असी जानियो भाई बार बार कह रहे सन कारी साहब ओ नबी पाक दी सीरत वाले जुमले जरूर सुनाना ऐ जुमले सुनाइए ते कना तौर सुनाइए ते गल मुकाइए जेड़े मैं जुमले हदीस पाक दे पढ़े ने नारी कुना सब गुवा सिदका गुवा अमानता गुवा पापा एदा तर्जमा पंजाबी जंदर शायर ने जो कीता है सूरत जगानो सोनी सूरत जगानो सोनी सीरत कुरान लोगो अच्छा जलसा मुक गया एक बारी खिंच के कहो सुभान अल्लाह एक गल मेनु लगता है पौना घंटा पहले कर देनी चाहिए तो बोलते पे ना उची को सुभान अल्लाह सूरत जगानो सोनी सीरत कुरान लोगो फलकों फरिश्ते आए बढ़ के दरबान लोगो आमिना दा बेटा आली मोटे ते कमली काली खत्मे नबुवत वाली रब तो गै शान पाली जिस ते दुरूद पढ़दा जिस ते दुरूद पढ़दा आप रहमान लोगो सूरत जगानो सोनी सीरत कुरान लोगो ए बड़ी मोहब्बत वाला जुमला मैं पूरे यकीन नाल कहना जिन्हें कदी जिंदगी दे अंदर सुभान अल्लाह नहीं कही ए जुमला सुन के वी तड़प के कहेगा सुभान अल्लाह रात मेराज वाली सुलेमान जय तख्तां वाले सब विच खड़ाए अल्लाह यूसुफ जय बख्तां वाले रात मेराज वाली सुलेमान जय तख्तां वाले सब विच खड़ाए अल्लाह यूसुफ जय बख्तां वाले कल्ले नूल मुसल्ला देके मदनी नूल मुसल्ला देके आका नूल मुसल्ला देके बनाया इमाम लोगो सूरत जगानो सोनी सीरत कुरान लोगो फलकों फरिश्ते आए पढ़ के दरबान लोगो हर कमाल दा जुमला अद्धे घंटे दी तकरीर एक जुमले दे अंदर जाबर दी गांडी विचों मज मेरा जावण वाला फिर को है को इनदा पीर जिथे जाए उथे बरकत होए है अल्लाह इथे जिथे पीर जान उथे उजाड़ा पै जांदा है
ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਮੌਜਦਾ ਜਾਬਰੀ ਦੀ ਗਾਂਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜਮੇ ਰਹਿ ਜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਤਰਾਜ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਲੈ ਲੈ ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਲੈ ਲੈ ਵੰਡਣਗੇ ਜਾਮ ਲੋਗੋ ਸੂਰਤ ਜਗਾਨੋ ਸੋਹਣੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਜ਼ੀਨ ਯਤਬਿਊਨ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਅਲ ਉਮੀ ਅਲਜ਼ੀ ਯਦੀਦੂਨ ਮਕਤੂਬਨ عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ نے اس آیا مبارکہ دے اندر اور نبی پاک دی آمد بھی بیان کیتی آپ دی آمد دے مقصد نو بھی بیان کیتا آئیے میرے بھائی 12 ربیع الاول دا دن گزر گئے اج تسی ویکھے ہونے جڑے بازاراں دے اندر اے شور کر رہے سن انہاں دے اندروں کئیاں جمعہ بھی نہیں پڑھیا جمعہ بھی نماز پڑھنا تے دور دی گل جمعہ بھی نہیں پڑھیا تے اس نبی پاک دی آمد دی خوشی دا کی فائدہ جڑی خوشی بندے نو نمازی بھی نہ بنا سکے جڑی خوشی بندے نو مسیتے بھی نہ لیا سکے اس خوشی دا فائدہ نبی پاک نے تے لوگاں نو جہالت وچوں کڈھ کے رب نال انہاں دا تعلق جوڑیا سی اللہ تعالی سانو نبی پاک دی آمد نو منن دی اور صحیح معنی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آمد دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جامعہ طیبہ تلیم البنات جیدے واسطے جگہ خریدی گئی ہے تے 37 لاکھ روپیہ دی مالیت ماشاءاللہ یہ دینی ادارے یہ سارے تساں احباب دے تاون والی چلدے نے کیونکہ مسجد مدرسے پاکستان دے اندر ایسیاں جگہ نے جنہاں واسطے سرکاری فنڈ بولو 96 واسطے خاص ہو جاتا ہے لیکن مسجد واسطے کرنے کر مسجد واسطے کوئی نہیں مدرسے واسطے تے جدوں گل کرنی ہوندی جڑے وزیر دا موقع بندا ہے وہ مسجداں دے بارے کردا ہے مدرسیاں دے بارے کردا ہے یہ مساجد مدارس تواڈے تاں نال چلدے نے تے یہ بڑا کار خیر دا کام جے قیامت تک صدقہ جاری ہے 37 لاکھ روپیہ ہے تے ساتھیاں دے کے اپیل ہے کہ ماشاءاللہ تعاون کرو جتنا ہو سکتا ہے اٹھو کھا ماشاءاللہ میں تہاڈا مہمان ہاں تسی میرے میزبان ہو تے میزبان دا حق ہے کہ آئے مہمان دی قدر کیتی جائے یہ پیسے تہاڈے اس مدرسے تے لگنے نے میں نال نہیں لے کے جانے حضرت شیخ صاحب تشریف فرما نے اٹھو جنے احباب آئے ہو ماواں بھیڑاں بھی آئیاں نے اگر 10 روپے دی توفیق ہے 10 روپے حصہ ڈال کے جاؤ جی 10 لاکھ دی توفیق ہے تے 10 لاکھ حصہ ڈال کے جاؤ نبی پاک نے فرمایا جدو خرچ کرو تے جوڑا خرچ کرو تے پھر دے بڑے فوائد نے پاویں 10-10 والے دو نوٹ لے آؤ تے پاویں 2-2 100-100 والے دو نوٹ تے پاویں 5-500 تے پاویں 5-5 ہزار والے اٹھو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تہاڈے رزق دے اندر مال جان کافی صاحب حیثیت لوگ تشریف فرماؤ اے دینی ادارہ اور بیٹیاں دی تربیت دی بڑی اشد ضرورت ہے ماشاءاللہ چودھری اشتیاق صاحب انہاں پہل کیتی اللہ انہاں دے رزق دے اندر مال جام دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے اے 2000 روپے ہو رہا ہے اٹھو ماشاءاللہ سارے ساتھی ایویں 2-4 منٹ نے 10-10 روپیے 100-100 1000-1000 لاکھ روپیہ جتنی توفیق ہے اڑتے جاؤ تاکہ جلدی جلدی نماز پڑھیے میں بھی اگے جا کے بیان کرنا ہے تے ٹائم نال دعا کریے نماز پڑھیے تے گل مکائیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تہاڈے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ اس ادارے نو اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے ماشاء اللہ تشریف لے لے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے یا پہلے سارے دوست احباب واسطے کھانے دا بھی اہتمام ہے ساتھی کھانا کھا کے جانا اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا اور احباب دا اہتمام انتظام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے بھائی امین انصاری صاحب میرے نال تشریف لے کے آئے نے، اے انہاں واسطے دعا بھی کرو، اللہ انہاں صحت عطا فرمائے، انہاں دے بیٹے نو صحت عطا فرمائے، بھائی خالد صاحب اللہ انہاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے، بابا یاسین صاحب اللہ انہاں نو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اللهم انت الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وانات الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد یا اللہ جتنے فوت شدگان نے سب دی مغفرت فرما، میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنا، عرفان باجوا صاحب فوت ہوئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ اس بھائی نو جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما، انہاں دے بچے نے تلاوت کیتی یا اللہ اس بچے نو قرآن دا قاری بنا، دین دا عالم بڑا، اور میرے اللہ اس مسجد دے جتنے بھی نمازی فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما، سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، یا اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ اسی تیرے مسافر بندے سوال کرنے ہاں، ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کری، ساڈیاں لوڑا تھوڑا اپنی جناب تو پوریاں فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.